श्री शिवाय नमस्तु। जब प्रदोष पड़े बन सके एक बेलपत्र, बन सके पांच बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मूंग कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर एक बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। दो या तीन प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। दो या तीन करो। कभी जीवन में आपको लग रहा हो कि मैंने दो तीन व्यापार करके देख लिए और घाटे घाटा हो रहा है, इसमें मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है, तब एक प्रयोग जरूर करिएगा। प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने दो तीन व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है, धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, दो बार, चार बार, छह बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा, फैक्ट्री डाली वो भी चल बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया, जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा, तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो और एक लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हो। महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम ले, कौन से महादेव जम के बोलो जरा, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है, वापिस ले उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा, संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। कौन सा महादेव जम के बोलिए जरा, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण। एक शमी पत्र, पांच बिल पत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, सात तने अक्षत के आखी अक्षत से डाल लीजिए और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर दो मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र वापस घर में ले आएं और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर के शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभु पर स्तंभ प्रण करती है, शिव महाप्रण करती है, अगर आपने दो या तीन या चार प्रदोष ही कर लिए
तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली पर भर ही देगा खुशी। दो तीन चार बस बहुत। जब आपको लग रहा है कि मेरे बेटा बेटी, मेरे बेटा बहू या मेरे परिवार का सदस्य ठीक राह पर नहीं जा रहा, सही जगह पर नहीं जा रहा, तो पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे कोई देवता का मंदिर ना हो या कोई स्थान ना हो या कोई मूर्ति ना हो, आपको लग रहा है कि मेरे बच्चे भटक गए, मेरे बच्चों ने मार्ग भटक गए और सही मार्ग पर नहीं जा रहा, तब आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान पिपलेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव जम के बोलो जरा, पिपलेश्वर महादेव के नाम से प्रदोष की प्रदोष प्रदोष काल में आप पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान को पिपलेश्वर महादेव के नाम से दीप लगाना प्रारंभ कर दो। और एक बात का स्मरण रहे आपको, आप पिपलेश्वर महादेव के नाम से जब दिया लगाएं तो आपके स्मरण में रहना चाहिए कि मेरे जो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, मेरे जो बच्चे परिवार के लोग गलत पथ पर जा रहे हैं, वो उनका मार्ग, हे पिपलेश्वर महादेव आप उनका मार्ग सुलभ करें और उसको सतमार्ग की ओर लेकर, हमारे बच्चे गलत मार्गों की ओर चले रहे हैं, उनका मार्ग सुधार दीजिए, मार्ग सवार दीजिए। आज के वीडियो में प्रदोष व्रत के चार बहुत ही अचूक उपाय बताए गए हैं जो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा।